इस साल महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। नतीजन इस साल फसलों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। मसलन बारिश से सोयाबीन और कपास की फसल विशेष रूप से प्रभावित हुई है। बारिश की मार झेल रहे किसानों को अब अपनी उपजों का बाजार भाव भी नहीं मिल रहा। किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि शुरुआत में ही किसानों को सोयाबीन के दाम 3000 रुपए से 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिले हैं। कीमतों में इतनी गिरावट देख किसान काफी चिंतित है। कुछ यही हाल कपास का भी है। इसे देखते हुए किसानों ने सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। असल में किसानों का कहना है कि आखिर इतने कम रेट में लागत निकालना भी मुश्किल होगा। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी हमें नुकसान झेलना पड़ा था और इस साल भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर कपास और सोयाबीन उत्पादकों के मुद्दे पर स्वाभिमानी किसान संगठन आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता रविकांत उपकर ने कहा है कि बारिश ने सोयाबीन के साथ कपास के उत्पादन की भी लागत बढ़ा दी है, लेकिन उत्पादन लागत की तुलना में कीमतें घट रही हैं। उन्हें इसे देखते हुए किसानों को सोयाबीन का MSP 8600 रुपए तो कपास का MSP 12,500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। तुपकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किसानों को उनका उचित दाम दिलवाने के लिए 6 नवंबर को किसानों का अलगर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश से सोयाबीन और कपास की फसल को नुकसान हुआ है। इस फसल की उत्पादन लागत बढ़ चुकी है, इसकी तुलना में किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा। इससे राज्य के किसान परेशान हैं और तुपकर ने सरकार के सामने विभिन्न मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सोयाबीन के लिए कम से कम 8600 रुपए तो कपास के लिए 12,500 रुपए और साथ ही किसानों को फसल बीमा राशि का जल्द ही भुगतान किया जाए और सोयाबीन का आयात भी तत्काल बंद किया जाए। रविकांत तुपकर ने जानकारी दी है कि अगर सरकार ने 5 नवंबर तक इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 6 नवंबर को सोयाबीन और कपास किसानों की ओर से बुल्डाना जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अलगर मार्च का मोर्चा का आयोजन किया जाएगा। उधर लासल गांव की मंडी में 8 अक्टूबर तक 945 क्विंटल सोयाबीन की आवक देखने को मिली, जिसका न्यूनतम दाम 3000 रुपए रहा तो अधिकतम 5400 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं जलगांव में भी 5321 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई तो न्यूनतम दाम 3500 रुपए प्रति क्विंटल तो अधिकतम 4950 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं कोपरा गांव में 543 क्विंटल सोयाबीन की आवक देखने को मिली तो वहां न्यूनतम दाम 3700 रुपए प्रति क्विंटल रहा तो वहीं अधिकतम 4950 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला। अब किसानों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और किसानों की मांग है कि जल्द ही सरकार मुआवजे की राशि दे और साथ ही सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।